जी हाँ गाइस, मैंने मेरी बाइक सेल कर दी है क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस थे। हाँ हेलो गाइस, दिस इज़ पृथ्वी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी से पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का और कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया कुछ। तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भाई आपकी बाइक दिख नहीं रही है, क्या हुआ, आपने बाइक सेल कर दी क्या? तो जी हाँ गाइस, मैंने मेरी बाइक सेल कर दी है क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस थे जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो उसका फ्रंट एंड, जो भी हेडलाइट असेंबली था बाइक का, तो स्टॉक में भी जो आया था वो भी पूरा वाइब्रेट हो रहा था और मैंने चेंज किया था, वो भी पूरा वाइब्रेशन आ रहा था उसमें भी। मुझे लगे कि उसमें नहीं आएगा, फिर भी वाइब्रेशंस थे बाइक में बहुत। और फर्स्ट और सेकंड गियर में तो पूरा ऐसा हिलता था वो आगे का पार्ट, वो एक था। और सेकंड पॉइंट है उसके सस्पेंशंस। वो बाइक के सस्पेंशन यूजुअली ना ऑफ रोड के लिए बहुत सही है, पर हम जब रोड पे चलाते हैं ना बाइक तो वो बहुत स्टिफ़ है उसके सस्पेंशन, मतलब एब्जॉर्ब करता है पर आपके पीठ को ना, मतलब एक झटका ऐसा लगता है बार बार, मतलब बड़े बड़े पॉटल्स में जाएगी ना बाइक, तो वो ऑफ रोड के लिए एकदम सही है। पर रोड टूरिंग के लिए मुझे थोड़ा सा उसमें दिक्कत लगा क्योंकि दो तीन बार मैंने एक बड़े पॉटहोल में डाल दी थी बाइक, तो मतलब मेरे बैक, मतलब बैक में पेन होना चालू हो गया था थोड़ा थोड़ा। और थर्ड बोलूँ तो उसके गियरिंग रेशियो, तो उसका गियरिंग रेशियो भी मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा था सिटी में कि उसके गियर शॉर्ट है, तो बार बार मुझे गियर्स में खेलना पड़ता था, शॉर्ट्स गियर में कम स्पीड में, नहीं तो बाइक लैग होती थी, तो इसी वजह से फिर गियर का भी इशू था उसमें थोड़ा। और फोर्थ पॉइंट बताऊँ तो उसका ना फ्रंट पार्ट, जो कि इंजन के फ्रंट का, मतलब जो पार्ट रहता है अपना पूरी बाइक का वेट, तो मुझे लगता था कि आगे का, मतलब जो वेट है बाइक का, वो बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू बैक साइड रेयर व्हील, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कभी कभी अगर मैं सिंगल हूँ विदाउट लगेज और विदाउट पिलियन, तो पीछे का रेयर व्हील है ना वो घूमता रहता था, मतलब अपन स्टार्ट में जब भी बाइक को पुल करते हैं, फर्स्ट में सेकेंड में जो भी है वो, तभी ना बाइक का पीछे का व्हील ज़्यादा रोटेट होके, मतलब गाड़ी उधर ही स्लिप मारती थी कभी कभी, वो एक इशू देखा है मैंने बाइक में बार बार। पर वो इशू, मतलब जब भी आप पिलियन और पीछे लगेज बिठाओगे तो उस कंपेयर टू, मतलब तभी वो ज़्यादा नहीं होता था। पहले मुझे लगा था कि वो ऑफ रोडिंग, मतलब बाइक मोड्स में मैंने डाला है ऑफ रोड में, शायद इसी वजह से वो हो रहा है, पर मैंने रोड में भी डाल के देखा था बहुत बार, फिर भी वो इशू मुझे दिख रहा था। अभी मुझे पता नहीं मेरे बाइक में वो इशू था कि पूरे 250 एडवेंचर में है वो दिक्कत, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वो एक इशू था। और उसकी सीट, लास्ट ऑफ ऑल उसकी सीट, एडवेंचर बाइक्स की सीट मतलब उतनी फ्लैट ही होती है, पर इसकी सीट बहुत ही फ्लैट है, मतलब आप लगातार अगर 4 से 5 घंटा बाइक पे टूरिंग कर रहे हो तो भाई दिक्कत होती थी, मुझे पेन होता था बट में, वो एक भी उसका इशू था। तो ये माइनर इशू है, मतलब कोई कोई लोगों को मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता इससे, पर मुझे पड़ता था क्योंकि मैं मोस्टली वो बाइक हाईवे टूरिंग पे यूज़ करता था और कभी कभी मतलब वो ऑफ रोड में लेके जाता था अगर मैं। मेरा गला बैठ गया शायद। तो मैं हाईवे टूरिंग के लिए वो ज़्यादातर यूज़ करता था, तो मतलब ये माइनर इशू है, मैं खाली उसकी गलतियाँ नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी है, क्योंकि उसकी भी पावर तो भाई ख़तरनाक है एकदम, 250 के रेंज में मतलब उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, और उस ऊपर से पावर प्लस आपको माइलेज भी मिल रहा है। मैं मुझे आराम से हाईवे टूरिंग में उसका 33 to 35 का एवरेज मिलता था आराम से हाईवे पे, कैसे भी चलाओ, मतलब हार्ड चलाओ, मतलब फास्ट चलाओ या स्लो चलाओ आपके ऊपर है, पर मुझे कम से कम 33 तो मिलता ही था टूरिंग के टाइम पे, वो एक उसका प्लस पॉइंट था। और बाइक मतलब बड़ी लगती थी, वो ऐसे लगता नहीं था कि वो 250 है, तो वो भी उसके हिसाब से भी बाइक अच्छी थी। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इन्हीं गलतियों, मतलब इशू के वजह से मैंने बाइक बेचा, उसके पीछे और एक रीज़न है, मुझे अपग्रेड भी करना था,
तो अभी देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था अपग्रेड की, तो 250 के हिसाब से मुझे मतलब बाद बाद में ना थोड़ा हाईवे टूरिंग में वो स्पीड कम लगने लगी उसकी। मतलब जब भी टूर करते हम लोग वो आराम से 120 पे क्रूज़ होती है, विद थोड़े बहुत वाइब्रेशन आते थे मतलब 100 के बाद, पर वो इतने फील नहीं होते थे। पर मुझे वो टॉप स्पीड पे थोड़ा सा मतलब कम लग रहा था भाई, वो भी एक रीज़न था। तो अभी मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। तो अभी मैंने दो ऑप्शन चूज़ किए हैं, एक तो ट्रैम्प की अभी नहीं आ रही है स्क्रैम्बलर 400X, और सेकंड मैंने ऑप्शन में रखा है हिमालयन 452। तो अभी तक हिमालयन तो लॉन्च हुई नहीं है, वो 7 नवंबर में लॉन्च होने वाली है, तो तभी वो देखने मिलेगी। और स्क्रैम्बलर का भी वही सीन है कि वो भी लॉन्च हो चुकी है, उसकी प्राइसिंग भी आ चुकी है, पर फिर भी अभी तक लोकल लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब शोरूम में अभी तक आई नहीं है बाइक देखने के लिए। तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं, और अभी तो मैं डेली राइड के लिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सेकंड बाइक जो कि होंडा SP125, तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक फॉर सिटी यूज़। आपको एवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है और कंफर्ट भी है, और जितनी स्पीड से उतनी भी मिल जाती है, तो इसका तो भाई सिटी के लिए कोई तोड़ नहीं है। तो जब भी वो बाइक अभी आ जाएंगे, अरे भाई नाम लिया और मेरी बाइक आ गई 250 एडवेंचर, भाई मिस तो कर रहा हूँ मैं बाइक को। कौन सी भी बाइक रहने दो, 100cc या कौन सी भी 1000cc, आप जब भी बाइक देते हो तो इमोशनल तो हो ही जाते हो। मैं भी बहुत इमोशनल हो चुका था बाइक देने के टाइम, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए उसके ऊपर और सेल कर दी मैंने। तो अभी जब भी दोनों बाइक में से कौन सी भी पहली बाइक अभी लॉन्च हो जाएगी शोरूम में, तो मैं वो देखने चले जाऊंगा। तो आज की वीडियो यही थी कि मैंने बाइक सेल कर दी है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, तो यस मैंने सेल कर दी है बाइक। तो अभी वेट कर रहा हूँ कि दोनों में से पहली बाइक अभी कौन सी शोरूम में देखने मिलेगी, तो फिर वो दोनों टेस्ट ड्राइव का भी मैं वीडियो डालूँगा, और दोनों में से कौन सी अच्छी लगेगी तो वो मैं अभी सिलेक्ट कर लूँगा। तो पहले टेस्ट ड्राइव लेके देखूँगा दोनों बाइक का। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, राइड सेफ़।